अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि बोर्ड में कौन से रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उनको हमने बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह आंसर करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो सबसे अहम चैप्टर है वो किंगडम प्रोटिस्टा का है, जिसको हम किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा भी कहते हैं। तो ये चैप्टर 7 है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता और इस चैप्टर से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे कि बोर्ड के जो है फेमस शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बोर्ड में एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि जो मेथिनोजेनिक बैक्टेरिया है वो क्या है। तो मेथिनोजेनिक बैक्टेरिया सॉरी मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं बल्कि मेथिनोजेनिक जो है एक अमीबा है जो जाइंट अमीबा कहलाता है। अब इस जाइंट अमीबा को जाइंट अमीबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमीबा का सबसे बड़ा अमीबा है। ये ऐसी जगहों पे रहता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वगैरह में उनके बॉटम में जाके रहता है और इसमें कोई जो है वो ऑर्गेनेली नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं और ये अपनी जो न्यूट्र कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि ये न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। तो न्यूट्रिशन का इसका सोर्स ये है कि इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो मेथिनोजेनिक है, मीन के वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू मीथेन बनाएंगे और ये इन बैक्टीरिया की मीथेन जो बनेगा इन बैक्टीरिया से ये अपनी क्या है जो है न्यूट्रिशन हासिल करता है या एनर्जी हासिल करता है। अब एक और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो डाई एटम्स का है। अब डाई एटम्स क्या है? डाई एटम्स बेसिकली जब हम देखेंगे कि ये पहली बात तो ये कि ये एक ग्रुप है अल्जी का, ठीक है। अब अल्जी क्या होते हैं? अल्जी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये वाटर के जो हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उसके अलावा इनकी जो सेल वॉल है वो दो शेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और ये शेल जो है ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे पैट्री डिश। असल में पैट्री डिश एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराते हैं। अब वो दो प्लेट्स होती है दो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती हैं, तो इनका जो शेल है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है किसकी तरह, एक पैट्री डिश की तरह, ठीक है, और उसके ऊपर सिलिका लगा होता है, मीन और शेल जो है वो सिलिका के बने होते हैं। उसके अलावा वही बात के डाईएटम जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किस चीज के, इकोसिस्टम के। तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता है प्रोड्यूसर फूड चेन में भी प्रोड्यूसर्स का रोल होता है। अब एक और जो है इम्पोर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन वो है कि वाटर मोड या ऊमाइकोट्स क्या होते हैं। बेसिकली ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट का, ठीक है। अब ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं और ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये क्लोज रिलेशनशिप फंजाई के साथ शो करते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, लेकिन ये अब एक अलहदा ग्रुप है। वाटर मोल्ड्स को हम अलहदा ग्रुप क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और आप जानते हैं कि फंगस की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस भी आ जाएगा। और इनकी जो हाइफी है, अब हाइफी क्या है? हाइफी जो है नॉर्मली ये फंगल बॉडी में भी होते हैं, इसी वजह से इन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं कि वो धागा नुमा स्ट्रक्चर जिनसे फंगस की बॉडी बनी हुई है वो हाइफी है और ये एसेप्टेड है, एसेप्टेड बगैर क्रॉस वॉल के। अब एसेप्टेड का मतलब है कि अगर दो सेल है आपस में, आपको पता है हर सेल के दरमियान एक बाउंड्री होती है, एक सेल दूसरे से अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेल जो है सेल आपस में जुड़े होते हैं और दरमियान में कोई वॉल नहीं होती। हम इसको ये भी कहते हैं कि एक ये बड़े सेल की तरह लगते हैं जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इसमें
बहुत ही किस्म के जो हैं वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी वाटर मोड्स का पार्ट है, तो ये भी है। अब ग्रीन प्लांट का जो है वो ग्रीन अल्जी का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है? तो ग्रीन अल्जी को प्लांट्स के जो है वो फोर फादर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन अल्जी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं जो प्लांट्स में भी हैं, और ये मोनोफाइलेटिक लीनेज बनाते हैं। मोनोफाइलेटिक लीनेज से क्या मुराद है कि एक जगह पे जाके इनके आबाओ अजदाद जो है वो एक हो जाते हैं। याद रखिए पॉलीफाइलेटिक लीनेज वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा डाइवर्स हो, मीन किसी कोई ग्रुप इधर जा रहा है, कोई ग्रुप उधर जा रहा है, और किसी की कोई डेफिनेट एक लाइन एक शजरा नहीं मिल रहा आपस में कि ये कहाँ पे मिलेंगे, तो इनका तो मिल जाता है, लिहाजा ये मोनोफाइलेटिक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये ग्रीन प्लांट जैसे हैं या क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो ये पहली बात तो ये फोटोसिंथेटिक है, प्लांट भी फोटोसिंथेटिक है। अल्जी के बारे में आपने याद रखना है सिवाय यूग्लिनोइड्स के बारे में, क्योंकि यूग्लिनोइड या यूग्लिना वगैरह जो है वो भी अल्जी के अंदर डिस्कस हुए हैं। अब क्योंकि यूग्लिना की कुछ जो है वो जो है और यूग्लिना ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स या यूग्लिना फैमिली के कुछ मेंबर जो हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, बाकी सारे एल्जी जो हैं फोटोसिंथेटिक हैं। तो पहली बात प्लांट भी फोटोसिंथेटिक, ये भी प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है, यहाँ भी क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं क्लोरो प्लास्ट में। कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्व करके मेन पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है उसको देते हैं, क्लोरोफिल बी भी एक्सेसरी पिगमेंट है। यहाँ पे फूड जो है वो जी जो हम देखेंगे कि इनमें जो है वो फूड जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट में भी फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अल्जी में भी क्या है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, वहां भी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये सिमिलर है किसके जो ग्रुप है किसको हम कहते हैं कि वो प्लांट के साथ ये सिमिलर है। अब फोरामिनिफेरास और एक्टिनोपोड्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को प्रोटोजोआन भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं शेल बनाते हैं या शेल के अंदर होते हैं, और शेल को टेस्ट्स कहा जाता है। तो एक टेस्ट की डेफिनेशन भी अलग से आ सकती है कि मेराइन प्रोटोजोआन प्रोड्यूस शेल कॉल्ड टेस्ट, और दे आर एनक्लोज इन अ शेल कॉल्ड टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो फोरामिनिफेरास में कैल्शियम के बने होते हैं, लेकिन एक्टिनोपोड्स में जो है वो सिलिका के बने होते हैं। अब इन्हीं शेल में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मीन ऐसी ऐसी प्रोजेक्शन जिनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, धागा नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, और इनका काम ये होता है कि कोई शिकार है कोई प्रे है उसको पकड़ने के लिए एक स्टिकी सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन डेंड्राइट और एक्सॉन की फॉर्म में न्यूरॉन से भी निकलती है, ठीक है। अब फोरामिनिफेरास जिनकी सेल में जिनकी जो है वो शेल में कैल्शियम होता है, जब वो डेड हो जाते हैं तो समंदर की तह में बैठ के चाक भी बनाते हैं, और इन्हीं फोरामिनिफेरास ने लाइमस्टोन डिपॉजिट्स किए हैं। तो फोरामिनिफेरास की अगर इम्पोर्टेंस आ जाए तो वो ये लिखना है कि इनके शेल जो हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, और मरने के बाद इनके शेल से चाक बनता है और लाइमस्टोन डिपॉजिट्स बनते हैं। अब एक जो ऑर्गेनिज्म है वाटर मोल्ड्स, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म एक है फाइटोपिथोरा इन्फेस्टन, इसके बारे में हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बोर्ड में इसके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। जो ये फाइटोपिथोरा इन्फेस्टन है ये एक बहुत बड़े कहत की वजह था, फेमाइन की वजह था, जो आयरलैंड में आया था 1840s में। ये
वहां पे जो है वो आलू ही मेन सोर्स था, पोटैटो मेन सोर्स था फूड का, लेकिन इसकी वजह से एक आलू पोटैटोज में एक बीमारी थी जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज कहा जाता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से आलू जो है वो खराब हो जाते थे, और इसकी वजह से 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए, फौत हो गए, और इसकी वजह से जो है वो आयरलैंड से लोग यूएस की तरफ माइग्रेट भी कर गए थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ना जो इन फेमस मीन के नोटोरियस रोल बताए इस पैथोजन का, तो वो ये है। अब कोलोरेला, स्टूडेंट्स ऊपर एक सवाल आया था कि ग्रीन एल्जी का जो है वो प्लांट के साथ सिमिलैरिटी बताएं। कोलोरेला भी एक ग्रीन एल्जी है और ये नॉन मोटाइल है। मोटाइल वो चीज होती है जो लोकोमोशन कर सके, जो हरकत कर सके। नॉन मोटाइल मीन एक ही जगह पे रहने वाला, आप इसे सेसाइल भी कह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहता है और फ्रेश वाटर पॉन्ड में भी रहता है और डिचेज में भी रहता है, और इसको हम फोटोसेंथेसिस की स्टडी में यूज करते हैं। मीन अगर हम फोटोसेंथेसिस को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम इस क्लोरेला को यूज करें, क्योंकि ये क्लोरेला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर दी फोटोसेंथेसिस। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई में क्या सिमिलैरिटीज हैं? पहली बात तो ये है कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई की तरह ये भी हीटरोट्रॉफ है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट कोई भी फोटोसेंथेसिस नहीं करता, और इनकी बॉडी हाइफी की बनी होती है, जो कि धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फंगस की बॉडी भी बनाते हैं। और लेकिन ये फंजाई से डिफरेंट भी होते हैं, क्यों के इनमें सेंट्रियोल होते हैं और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, लेकिन फंगस में सेंट्रियोल नहीं होते। याद रखें, हायर प्लांट जो जिनको हम हायर प्लांट्स का दूसरा नाम यहाँ पे आप याद रखें ट्रेकियोफाइट्स है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनमें तो उनमें भी ये जो है सेंट्रियोल्स नहीं होते, लेकिन लोअर प्लांट ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट जिनको कहा जाता है उनमें होते हैं। और कैल्प्स के बारे में क्या है? कैल्प बेसिकली ब्राउन एल्जी है और ये इंतहाई सख्त और लेदर की तरह की अपीयरेंस होती है, चमड़े की तरह की इसकी बॉडी की। अगर इसको आप देखें तो ये प्लांट की तरह लगता है, लेकिन ये प्लांट नहीं है। इसमें लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, मीन लीफ की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ब्लेड्स कहा जाता है, और स्टेम की तरह का इनका तना होता है जिसको स्टाइप कहते हैं, और जड़ों की तरह रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको होल्ड फास्ट बोला जाता है। अब ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज बिल्कुल भी नहीं होते, और इनकी बॉडी जो है वो थैलस है। थैलस भी आगे आ जाएगी। अब पेलिकल क्या है? पेलिकल जो है एक लेयर है जो सिलिएट्स सिलिया सिलिएट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिलिया होते हैं। सिलिया एक हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक कवरिंग होती है फ्लेक्सिबल सी, जो एक डेफिनेट लेकिन चेंज होने वाली तब्दील होने वाली शेप देती है सिलिएट्स को, उसको पेलिकल कहा जाता है। और पॉलीसिफोनिया क्या है? पॉलीसिफोनिया का एक दफा लाहौर बोर्ड में सवाल आया था, तो ये एक रेड एल्जी है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है।